हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वी लुकअप के बारे में। आइए देखते हैं कि किस तरीके से वी लुकअप वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं ये हमारा क्या है डेटा, और हमने एक क्राइटेरिया यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है, देखिए जैसे ये आपका डेटा हो गया, इसमें जो है ये रोल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, इसकी जगह पर आप नेम भी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले सकते हैं, मतलब जिस चीज़ से आपको कोई डिटेल फाइंड करनी है। जैसे अब यहाँ पे हमारा जो डेटा है इसमें हम रोल नंबर ले लेते हैं, और इसमें से जैसे आपको देखना है कोई एक रोल नंबर हमने लिया 102, इनका आपको नेम फाइंड करना है, सिटी फाइंड करना है या फिर ग्रेड फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको जिस रोल नंबर का डिटेल फाइंड करना है वो रोल नंबर आप नॉर्मल बस यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, अब जैसे इसमें हमें फाइंड क्या करना है, नेम 102 का नेम क्या है ये फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप। ठीक है, देखिए इक्वल यहाँ पे लिखा हमने वी लुकअप ब्रैकेट, यहाँ पे क्या दे रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में क्या होगा, मतलब जिस चीज़ से हम किसी चीज़ को फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रोल नंबर लेंगे तो इसको सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा। नेक्स्ट है टेबल अरे, टेबल अरे में क्या करना है आपको इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद में है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है कि आप जो चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं वो किस कॉलम में है, वो काउंटिंग करके आपको लिखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, नेम, तो नेम किस कॉलम में है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो किस कॉलम में है, सेकंड, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 2, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे लिखना है 0। आप 0 की जगह पे फॉल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने 0 लिखा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए नेम 102, नेम क्या है रिया, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये आपका ये वी लुकअप लगा हुआ है ये इस सेल पे लग गया है, तो इस सेल में आप जो भी रोल नंबर लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो नेम होगा वो फाइंड होके ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया 104, तो यहाँ पे देखिए नेम 104 में जो भी नेम है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 103 करके देखते हैं, तो देखिए 103 पे जो नेम है वो यहाँ पे फाइंड होके आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। करना क्या है आपको, सेम फॉर्मूले लगेंगे इसमें, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट, फिर यहाँ पे लुकअप वैल्यू, फिर कॉमा, फिर टेबल को सिलेक्ट करना है। बस चेंज क्या होगा इसमें, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये कौन से कॉलम में है, यहाँ पे 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 3, फिर कॉमा, फिर 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड। ठीक है, नेक्स्ट फिर सेम इसी तरीके से आपको फॉर्मूला लगा लेना है, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे रोल नंबर सेलेक्ट किया कॉमा, फिर टेबल सेलेक्ट किया कॉमा, फिर ग्रेड किस कॉलम में है 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे 4 लिखना है कॉमा एंड 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंड। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 103 में नेम क्या है, अभी सिटी आगरा एंड ग्रेड सी। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए सारी की सारी डिटेल ऑटोमेटिक चेंज हो रही है यहाँ पे, देखिए 104 एंड ग्रेड ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, जो वी लुकअप है, वी का मतलब है वर्टिकल। ठीक है, तो वी लुकअप जो हम यूज़ करते हैं वो डेटा कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, डेटा आपका कितना भी बड़ा हो, आपको जैसे ये डेटा सपोज़ बहुत ज़्यादा है, आपको वो रोल नंबर भी नहीं पता है कि कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उस रोल नंबर को सर्च नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आपको रोल नंबर दिया हुआ है 2205 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रंट पे आपको नहीं दिखना है, तो आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मल आप यहाँ पर लिखेंगे और जैसा फार्मूला यहाँ लगा है सेम वैसे ही लगाना है, वो जहाँ पर भी होगा डिटेल आपको फाइंड करके ऑटोमेटिकली देगा। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।